दोस्तों एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अतीक हत्याकांड को नहीं भुला पा रहे हैं। अतीक हत्याकांड को लेकर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी फिर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी कि उनके शूटर इतने महंगे तमाचे कहां से लाए और उसको ट्रेनिंग देने वाला आखिर कौन है। जो लोग जंजीरों में हैं उनको गोली मार दी जा रही है, जो लोग पुलिस की कस्टडी में हैं उनको मार दिया जा रहा है, और फिर यह कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं। अमेरिका जाकर बोला जाता है, यह पैगाम दिया जाता है, यू आर गुड एंड हैप्पी, यस वी आर गुड एंड हैप्पी, मगर आपसे खुश नहीं है जो हुक्मरान है। अरे हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं, महाराज से जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे, अब जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे कोई अपना वेपन नहीं निकाला, लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते नहीं, गोली मार दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद वो हथियार को फेंककर सरेंडर 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 कह रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो जो बंद जो तफंचा जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई जेगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको, वेपन एक एक 8 लाख रुपए की है। कितने की है? 8 लाख, दो हो गए तो 16 लाख। अच्छा 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए, एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है, अबे इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई फिर? ये 16 लाख की वेपन कहां से आया, ये गोलियां कहां से आई? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं, जिस तरीके से मार रहे थे, अगर कोई रिवॉल्वर चलाना जानता है तो वो भले वो बताएगा कि जिस हाथ का उनका पोजीशन था, जिनका उनका जिस्म का वजन था, जब गर्दन झुकाकर मार रहे थे, वो बता रहा है कि वो प्रोफेशनल है। मैंने कहा था इस बात को, और 2 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में एक रिपोर्ट आई कि एक पुलिस के आईजी हैं विजय शंकर सिंह ने कहा कि इनको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी, 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि एटीएस का ऑफिसर ने कहा कि इन्होंने इन दोनों को मारने से पहले कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग लिए, और एक भारत का एक मशहूर शूटर है, माने जो कंपटीशन में जाता है, अजय विक नाम है, उसने कहा कि जिस तरीके से एक हाथ से मारते हैं, एक हाथ से वो ही मार सकता जो बड़ा प्रोफेशनल होता है, वरना 2 हाथ से मारते हैं, ये 1 हाथ से मारे, अजय विक कह रहा है।